हेलो गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग आवर स्टूडेंट इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव सीन आवर टॉपिक प्रोनाउन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी आवर रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन एंड द केसेस ऑफ प्रोनाउन आल्सो फॉर एग्जांपल माय माय बिकम पजेसिव केस माइन माय मीन्स क्या होता है जैसे कि माय मीन्स माजे और पजेसिव केस मीन्स मालकी हक का अगर दर्शाना है जैसे कि यह चीज़ मेरी ही है ऐसे अगर दर्शाते हम तो माई का पजेसिव फॉर्म हम माइन यूज करते हैं अंडरस्टैंड देन यू बिकम यूवर्स सो दीज आर द पजेसिव केस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो माई बिकम माइन देन शी बिकम हर्स शी की पजेसिव क्या होगी फिर केस हर्स मतलब उसकी ही बिकम हिम हिम मे कह देन आवर बिकम आवर्स हमारे आवर्स मीन्स हमारे आवर्स दीज आर आवर टॉयज यह हमारे टॉयज है देन दे बिकम देयर सो पॉजिटिव केस ऑफ दे इज देअर्स उनकी दैट इज देअर्स हाउस अंडरस्टैंड सो लुक एट द फोटो देन यूर डाउट्स विल बी क्लियर सो रिमेनिंग एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी नीलू एंड जेनी आर स्टडिंग डू नॉट डिस्टर्ब सो नीलू एंड जेनी है यहाँ पर तो दोनों के लिए कौन सा थर्ड पर्सन प्लूरल वाला यूज करेंगे हम दे देखो वहाँ पर एरो करके मैंने देम लिखा है नीलू एंड जेनी आर स्टडिंग डू नॉट डिस्टर्ब देम दे मतलब उन्हें उन्हें डिस्टर्ब मत करो अंडरस्टैंड सो so, नीलू एंड जेनी के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है अभी देम देम इज़ द सेकेंड केस ऑफ दे अंडरस्टैंड देन नेक्स्ट देखो नीलू एंड जेनी हैव हाँ अ टेस्ट टू मोरो अब दोनों के लिए और क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर दे दे हैव अ टेस्ट टुमारो अंडरस्टैंड सो पहले जो है नीलू एंड जेनी वहाँ वहाँ पर उसकी जगह देम लिखना है आपको और जो सेकंड है नीलू एंड जेनी वहां पे दे लिखना है दे हैव अ टेस्ट टुमारो अंडरस्टैंड सो यू हैव टू राइट डाउन एज लाइक देन नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस इज माई टेक्स्ट बुक अब यह मेरा टेक्स्ट बुक है मतलब माल की हक English. English का दर्शा रहा है अंडरस्टैंड पॉजिटिव केस इन इंग्लिश इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे पॉजिटिव केस कहते हैं हम अंडरस्टैंड सो क्या होगा फिर दिस इज माइन यह मेरा है यह मेरा टेक्स्ट बुक है तो वहाँ पर क्या आएगा फिर माइन नेक्स्ट एग्जाम्पल आई नीड अ पेन कैन आई बोरो इट अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है या थिंग्स है उसके लिए हम इट यूज करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए भी इन आवर लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था सो so, वाटू यूज देअर आई नीड अ पेन कैन आई बोरो इट मुझे पेन की जरूरत है कैन आई बोरो इट क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ इट मतलब जो थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करेंगे अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज दैट इज़ देअर हाउस सो फॉर देयर हाउस वो यूज़ देयर्स पॉजिटिव केस क्या है देअर their की देअर्स यह उनका घर है तो देयर हाउस बोलने की जगह हम वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे पजेसिव केस ऑफ देयर इज देअर्स आवर बिकम आवर्स यस लगाना होता है पजेसिव केस मतलब जो मालकी हक का दर्शन अगर है जैसे कि आय का क्या है पजेसिव केस माइन यू बिकम यूअर ही बिकम हीम शी बिकम हर देन आवर बिकम आवर्स देयर बिकम देअर्स अंडरस्टैंड सो दीज आर द पजेसिव केस पजेसिव केस यानी उसका मीनिंग क्या है मालकी हक्क दर्शाना अंडरस्टैंड सो डू यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट दैट इज देअर्स एंड फुल स्टॉप देन नेक्स्ट एक्सरसाइज रिराइट द सेंटेंस रिप्लेसिंग अंडरलाइन वर्ड विथ प्रोनाउन सो दिस इज ऑल्सो सेम सुसन इज सुसन इज अ गर्ल

They must be silent during prayer. So do you understand? So you have to write down all exercise in good handwriting. And do you understand the uses of pronoun? They become them also. And for possessive case, they are. Then my become I, me, my, mine. Do you know the possessive cases? Which is the chart? I, me, my, mine. You, you, you are yours. He, him, his. Then she, her, hers. We, us, our, our. And you, you, you are yours. Understand? So, this is the possessive case pronoun chart I will send to you. Which is the chart? I, me, my, mine. You, you, you are yours. We, us, our, ours. देम देअर्स देअर्स अंडरस्टैंड एज लाइक सो दीज आर द पजिटिव केस पजिटिव केस यानी मालकी हक्क दर्शाना अंडरस्टैंड सो यू हॉ टू राइट डाउन दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली इन अ गुड हैंड राइटिंग एंड सेंड मी द फोटो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी थैंस